हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लाया हूँ बहुत ही बेसिक से टॉपिक पे, अबाउट हाउ टू ट्यून योर गिटार। और ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो गिटार सीखना चाहते हैं, जिन्होंने गिटार ले लिया है बट वो क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ट्यूनिंग द गिटार। वो गिटार आपको ट्यून करना आना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। वी विल टेक अ स्टैंडर्ड गिटार जो कि 6 स्ट्रिंग्स वाला होता है। वैसे गिटार 8 स्ट्रिंग, 7 स्ट्रिंग, 12 स्ट्रिंग, कई तरह के होते हैं, बट एक स्टैंडर्ड गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। लेट्स नो अबाउट द स्ट्रिंग्स। इसके स्ट्रिंग्स को आप देखोगे तो ये इनका डायमीटर बढ़ता जा रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स। जो सबसे कम डायमीटर वाली स्ट्रिंग है दैट इज़ फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। और ये 6 जो स्ट्रिंग्स हैं वो 6 डिफरेंट स्केल पे ट्यून की जाती हैं। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो होती है ई पे ट्यून। द स्ट्रिंग इज फर्स्ट बट द साउंड जिस पे मैंने ट्यून किया हुआ है, दिस गिटार इज ट्यून्ड, सो द साउंड इज ई। आपको हमेशा इसे ई पे रखना है। इसी तरह से जो सेकेंड स्ट्रिंग है दैट इज बी, द साउंड इज बी, देन जी, देन डी, देन ए एंड अगेन ई। सो इन 6 स्ट्रिंग में फर्स्ट स्ट्रिंग एंड 6th स्ट्रिंग दोनों ही ई होती हैं, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है वो हायर ऑक्टेव का ई है एंड 6th स्ट्रिंग है वो लोअर ऑक्टेव का ई है। तो इसको ट्यून करने के कई तरीके हैं। फर्स्ट है जो बहुत ही बेसिक सा है, यूजिंग अ ट्यूनर जो कि आपके गिटार में लगा हुआ होता है। आप एक्सटर्नल खरीद सकते हैं या आप मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं ट्यून करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है कि आपको पता है फर्स्ट को ई पे रखना है, सो अगर वो ई से ज़्यादा है तो आप उसको लूज़ करें, ई पे लाएं। कम है, पहले है, डी है, सी शार्प है, तो उसको और टाइट करके ई पे लाएं, उसको ई पे रखना है आपको। उसी तरह से सारी स्ट्रिंग्स को आपको ट्यून कर लेनी है। इसको बी पे रखनी है, जी पे, डी पे। ये एक तरीका है ट्यूनर के थ्रू ट्यून करना। दूसरा है जिसमें आपको एयर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपके लिसनिंग स्किल उसमें ज़रूरी है। आपको नोट्स पहचानना आना चाहिए। सपोज़ इस साउंड में अगर आप पहचान ले रहे हो दूसरा साउंड कैसे मर्ज करा, लाइक सो यू कैन यूज़ अ कीबोर्ड। आप उस पर ई नोट प्रेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग को उसमें ट्यून कर सकते हैं। ऐसे अपने सभी स्ट्रिंग्स को ट्यून करने का एक और तरीका है, यूज़ कर सकते हैं हम कहीं पे भी, जहाँ पे आपको एक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ट्यूनर नहीं है, तो आप पूरी स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग के बेस पे ट्यून कर सकते हैं। और वो एक स्ट्रिंग अगर आपने स्टैंडर्ड पे ट्यून कर रखा है तो आपका पूरा गिटार स्टैंडर्ड पे ट्यून हो जाएगा। अगर नहीं कर रखा है तो बट आप इतना ट्यून कर सकते हैं कि यू विल बी प्लेइंग। आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर नहीं प्ले करना है तो आप ट्यून कर सकते हैं। इसको उसे कैसे करते हैं, एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए, सपोज दिस इज ई, एंड इसके बेसिस पे आप सेकेंड स्ट्रिंग ट्यून कर सकते हैं। प्रेस द सेकेंड स्ट्रिंग एट 5th फ्रेट, 5वें फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग को प्रेस करना है, एंड इन दोनों की साउंड एक जैसी आनी चाहिए। प्ले फर्स्ट स्ट्रिंग एंड प्ले सेकेंड स्ट्रिंग, मेरा सेम साउंड कर रहा है। मैं एक बार इसको रीट्यून करके ट्यून करके लाता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, 5th फ्रेट पे ऐसा साउंड कर रहा है, दोनों सेम नहीं है। नाउ विल ब्रिंग इट, अब ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अब आप जब छोड़ोगे सेकंड स्ट्रिंग को तो ये अपने आप बी पे ट्यून हो चुकी है। अब आप बी को बेस बना लो और 3rd स्ट्रिंग को ट्यून करो। 3rd स्ट्रिंग आपको 4th फ्रेट पे प्रेस करनी होगी। इसको मैं 3rd को भी ट्यून करके बताता हूँ। सेकंड स्ट्रिंग
is bass. Now tune the third string. तो ऐसे हमारी थर्ड स्ट्रिंग भी ट्यून हो गई। अब फोर्थ को ट्यून करने के लिए अगेन आपको फिफ्थ फ्रेट पे जाना पड़ेगा। फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, थर्ड को बेस बनाना है, फोर्थ को ट्यून करना है फिफ्थ पे प्रेस करके। इसी तरह से आप फिफ्थ को भी फिफ्थ पे, सिक्स्थ को भी फिफ्थ पे, सिर्फ जो ये थर्ड स्ट्रिंग है वो फोर्थ पे रहेगी। ऐसे करके आप सारी स्ट्रिंग्स को ट्यून कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। We'll see you in next video. Thank you.